वबरकातुहु या अहले कुरान, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुबहानु ताला की नेमतों के दिल से शुक्रगुजार होंगे। ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों पे, आजमाइशों पे, बीमारियों पे, अप्स एंड डाउन्स पे, अनवांटेड इवेंट्स पे, हज पे आपका नाम ना आने पे मुस्कुरा रहे होंगे। रदीतु बिल्लाहि रब्बा पे पूरा यकीन रखते हुए कह रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नथिंग टू कंप्लेन। अल्हम्दुलिल्लाह, माहे ज़िलहज्जा का आगाज होने जा रहा है। ज़िलहज का महीना उन खूबसूरत महीनों में से है जिसमें अल्लाह सुबहान ताला ने अपनी रहमतों की भरपूर बरसात की है। जो कमियां, जो कोताहियां हमसे रमज़ान में हो गई, जो कुछ हम करना चाहते थे और हम कर ना सके, उनकी भरपाई के लिए और भी बहुत कुछ हासिल करने के लिए अल्लाह सुबहान तआला ने अपने रहमान और रहीम होने का यकीन दिलाते हुए ज़िलहज्जा में हमारे लिए इतना कुछ रख दिया कि अगर हम अभी भी चाहें तो मेहनत करके, कोशिश करके, खलूस नियत से अल्लाह सुबहान तआला को राज़ी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ज़िलहज का महीना और इसे बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश के लिए करते हैं और बहुत से अमल के नकात अपने लिए लेते हैं। नहमदुहु व नसल्लि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी श्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين। ذلحج کے لغوی معنی ہے قمری سال کا آخری مہینہ۔ ذلحجہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ हजा के मानी आते हैं हज करना। चूंकि इस महीने में फरीज़ा हज अदा किया जाता है इसलिए इसे ज़िलहजा कहा जाता है। दूसरी वजह, अलहजा के मानी साल के भी आते हैं। चूंकि इस माह के इख्तिताम पर एक हिजरी साल मुकम्मल होता है इसलिए इसे ज़िलहजा कहा जाता है। तो ज़िलहजा के दो मानी जो हम अख़्ज़ कर सकते हैं, एक है कमरी साल के आखिरी महीना और दूसरा हज का महीना। सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं, हकीकत यह है कि अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है जो अल्लाह की किताब के मुताबिक इस दिन से नाफिस चली आती है जिस दिन अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। इन 12 महीनों में से 4 हुरमत वाले महीने हैं। ज़िलहज्जा का महीना इन 4 महीनों में से है जिनको अल्लाह सुबहान तआला ने हुरमत वाला करार दिया है। इन महीनों को हुरमत वाला महीना दो मानी के अतबार से कहा जाता है। एक इसलिए कि इसमें कत्ल हराम है, दूसरी इसलिए ये महीने मुतबरक और वाजिबुल एहतराम है। इनमें इबादात का सवाब ज़्यादा मिलता है, इसीलिए हमें चाहिए कि इन महीनों में ख़ास तौर पे इस बात का इंतज़ाम करें कि हम इबादात में यकसुई इख्तियार करें।
हर उस काम से परहेज करें जिससे अल्लाह सुभान व तआला नाराज होगा। अल्लाह सुभान व तआला ने हुरमत वाले महीनों का इंतखाब किया है और ये हुरमत वाले महीने चार हैं, ज़िलकदा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। जब एक चीज़ कोई मखसूस कर दी जाती है या हाईलाइट कर दी जाती है, इसका मतलब है कि उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। और जब अल्लाह सुबहान तआला ने चार हुरमत वाले महीने करार दे दिए, तो इसमें किए जाने वाली इबादात और नेक काम का सवाब बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर इस महीने में अल्लाह सुबहान तआला की नाफरमानी की जाए, इन महीनों का एहतराम, इनका तकद्दस पामाल किया जाए, तो अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त है। इसलिए मैक्सिमम कोशिश करें कि इन महीनों को में बेहतरीन अदब व एहतराम का इंतज़ाम करें, सिर्फ इबादत की रूह तक नहीं बल्कि अपने अखलाक को बेहतरीन बनाएं, अपने रिश्तों को बेहतरीन बनाएं, कतअ ताल्लुक से बचें। कतअ ताल्लुक को तो वैसे ही अल्लाह सुबहान व तआला ने हराम करार दिया है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखता है, अगर हो भी जाए तो माफ़ी मांग लीजिए। सिर्फ इस बात को याद रखते हुए कि अल्लाह सुबहान व तआला ने इस महीने को बाबरकत करार दिया है और इसमें लड़ाई झगड़ा करना हराम। महीने तो अल्लाह सुबहान व तआला के तमाम ही खूबसूरत हैं। आइए जानते हैं कि ज़िलहज के महीने की फजीलत क्या है। अल्लाह सुबहान व तआला का इरशाद है, हज के महीने तयशुदा और मालूम शुदा हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 197। हज के महीने तीन हैं, जिनमें से पहला शवाल, दूसरा ज़िलकदा, तीसरा ज़िलहज्जा के 10 दिन। इससे बढ़कर और क्या फजीलत होगी कि वो इबादतें जो साल भर के दूसरे दिनों में अंजाम नहीं दी जा सकती, इनके अंजाम दही के लिए अल्लाह सुबहान व तआला ने इसी ज़माने को मुंतखब फरमाया है। मसलन हज एक ऐसी इबादत है जो इन आयाम के अलावा दूसरे आयाम में अंजाम नहीं दी जा सकती। दूसरी इबादतों का ये हाल है कि इंसान फ़राइज़ के अलावा जब चाहे नफल इबादत कर सकता है। मसलन नमाज 5 वक्त की फ़र्ज़ है, लेकिन इनके अलावा जब चाहे नफली नमाज की इजाज़त है। रमज़ान में रोज़े रखना फ़र्ज़ है, लेकिन नफली रोज़ा जब चाहे रखें। ज़कात साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है, लेकिन नफली सदका जब चाहे अदा करें। इसके अलावा दो इबादतें ऐसी हैं जिनके लिए अल्लाह सुबहान तआला ने एक वक्त मुकर्रर फरमा दिया है। इन औकात के अलावा दूसरे औकात में अगर इन इबादात को किया जाए तो वो इबादात में शुमार ही नहीं होता। इनमें से एक इबादत हज है। हज के अरकान मसलन अरफात में जाकर ठहरना, मुज़दलिफा में रात गुजारना, जमरात की रमी करना वगैरह, ये वो आमाल है कि अगर इन्हें इन्हीं आयाम में अंजाम दिए जाएं तो इबादत हैं। और इनके अलावा दूसरे दिनों में अगर कोई शख्स अरफात में 10 दिन ठहरे तो ये कोई इबादत नहीं। साल के 12 महीने मना में खड़े रहना कोई इबादत नहीं। इसी तरह साल के दूसरे आयाम में कोई शख्स जाके जमरात में कंकरियाँ मारे तो ये कोई इबादत नहीं। तो हज जैसी अहम इबादत के लिए अल्लाह सुबहान व तआला ने इन्हीं आयाम को मुकर्रर फरमा दिया कि अगर बैतुल्लाह का हज इन्हीं आयाम में अंजाम दोगे तो इबादत होगी और इस पर सवाब मिलेगा। दूसरी इबादत कुर्बानी है। क्या खूबसूरत एग्जाम्पल सेट की अल्लाह सुबहान व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए। कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला ने ज़िलहज्जा के 3 दिन यानी 10, 11 और 12 तारीख मुकर्रर फरमा दिए हैं। इन आयाम के अलावा अगर कोई शख्स कुर्बानी की इबादत करना चाहे तो नहीं कर सकता। अलबत्ता अगर कोई शख्स सदका करना चाहे तो बकरा ज़बह कर इसका गोश्त सदका कर सकता है, लेकिन ये कुर्बानी की इबादत इन 3 दिनों के सिवा किसी और दिन में अंजाम नहीं पा सकती। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस ज़माने को ये इम्तियाज़ बख्शा है। इसी वजह से उल्मा कराम ने लिखा कि रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाले आयाम अशराए ज़िलहज्जा के आयाम हैं। इनमें इबादतों का सवाब बढ़ जाता है और अल्लाह ताला इन आयाम में अपनी खसूसी रहमतें नाजिल फरमाते हैं।
ज़िलहज्जा वो अज़ीमुल शान महीना है जिसमें अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान करीम की वो आयत नाजिल फरमाई जिसमें तकमील दीन की नेमत का ऐलान किया गया। बुखारी शरीफ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कौल के मुताबिक ये आयत ज़िलहज्जा के महीने में अरफा के दिन नाजिल हुई। अल्लाह सुबहान तआला का इरशाद है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर हमेशा के लिए पसंद किया। सूरह माईदा आयत नंबर 3। ज़िलहज्जा में मुसलमानों को ईद की मुसर्रत और खुशी हासिल होती है। ज़िलहज्जा का महीना वो मुसर्रत और खुशी का महीना है जिसकी 10 तारीख को तमाम मुसलमान ईद कुर्बान मनाते हैं। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो देखा कि अहले मदीना के लिए साल में 2 दिन हैं जिनमें वो खेलते कूदते हैं, तो आपने पूछा ये 2 दिन कैसे हैं? तो इन लोगों ने कहा, जहालियत में हम इन 2 दिनों में खेलते कूदते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें इन 2 दिनों के इवज़ इनसे बेहतर 2 दिन अता फरमा दिए हैं, एक ईद उल अज़हा का दिन और दूसरा ईद उल फितर का दिन। माह ज़िलहज्जा का पहला अशरा कुरान और हदीस के मुताबिक साल के तमाम दिनों में अफजल तरीन अशरा है। कुरान करीम में अल्लाह सुबहान तआला ने इसकी अज़मत और अहमियत को बयान करते हुए फरमाया, कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की और जुफ्त की और ताक की। सूरह फजर आयत नंबर 1 से 3। अक्सर मुफसरीन के नज़दीक इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन हैं और इलामा इबन जरीर तिबरी और इबन रजब हम्बली ने इस पर इजमा नकल किया है। बाज़ अहादीस से ये भी साबित होता है कि 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की इब्तदाई 10 रातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा का पहला अशरा है और ताक से मुराद योम अरफा है और जुफ्त से मुराद ईद उल अज़हा का दिन है। एक हदीस में आया है कि ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिन दुनिया के तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अशरे ज़िलहज्जा की फजीलत और खसूसियत की वजह सिर्फ यह है कि तमाम बड़ी और असल इबादतें इसके अंदर यकजा हो जाती हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, सदका और खैरात, कुर्बानी और हज, जबकि किसी भी मौके पर ये सारी इबादतें इकट्ठी नहीं होती। अलामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह से पूछा गया कि ज़िलहज्जा के 10 दिन अफजल हैं या रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन? तो आपने जवाब दिया, ज़िलहज्जा के 10 दिन रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों से अफजल हैं और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की रातें अशरा ज़िलहज्जा की रातों से अफजल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिसमें नेक अमल अल्लाह ताला के यहाँ ज़िलहज्जा के 10 दिनों के नेक अमल से ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या ये अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से भी बढ़कर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से भी बढ़कर है, मगर वो शख्स जो जान और माल लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले फिर इनमें कोई चीज़ भी वापस लेकर ना आए, यानी सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे और शहीद हो जाए, ये इन दिनों के नेक अमल से बढ़कर है। तो आइए कोशिश करते हैं कि साल के बेहतरीन 10 दिन गुजारने के लिए बेहतरीन प्लानिंग करें, क्योंकि प्लानिंग के बग़ैर कोई भी इंसान भरपूर तरीके से इन खूबसूरत दिनों का फ़ायदा नहीं उठा सकता। अपने टाइम को हम डिवाइड करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम जितनी इबादत कर सकते हैं वो करें, चाहे हम घर के काम कर रहे हों, ऑफिस में हों या क्लासरूम में, हर वक्त अल्लाह सुबहान तआला को याद करते रहें, नफली इबादतों का एक वक्त मखसूस करें और कम से कम ज़बान को तो हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। अशरा ज़िलहज्जा में करने वाले काम, नमाज,
सबसे पहले अल्लाह सुबहान व तआला ने मुसलमानों को नमाज का हुक्म दिया, और हम जानते हैं कि जब इस्लाम की इब्तिदा हुई तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह सुबहान व तआला ने वज़ू और नमाज का तरीक़ा सिखाया और दिन में सुबह और शाम दो दफ़ा नमाज पढ़ने का हुक्म आया। उसके बाद मेराज के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का खूबसूरत तोहफा अता किया गया। तो नमाज जो इतनी खूबसूरत है और जो इतनी इम्पॉर्टेंट है, उसको कैसे पढ़ा जाए? अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, खुशू और खुदू के साथ नमाज पढ़ें, हर रकत में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें, इशराक और चाश्त के नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद में तवील की रात करें। मर्दों को चाहिए कि जमात के साथ नमाज पढ़ें, और औरतें भी अगर मुमकिन हो तो जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। रोज़ा ज़िलहज के पहले 10 दिन में रोज़े रखने की बहुत फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहजा के इब्तदाई 10 दिनों से बढ़कर कोई दिन ऐसा नहीं जिसकी इबादत अल्लाह को ज़्यादा महबूब हो, और इन आयाम में से हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है, और इनकी हर रात का क़याम लैलतुल कदर के क़याम के बराबर है। ज़िलहज में पहली ज़िलहज से लेकर 8 ज़िलहज तक रोज़ा रखना इंसान के पिछले साल के गुनाहों का कफारा है, और 9 ज़िलहज का रोज़ा यानी अरफा का रोज़ा, और इसकी फजीलत तो बहुत ही ज़्यादा है। हज़रत अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा यानी 9वीं ज़िलहज के रोज़े के बारे में पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक साल गुज़िश्ता और एक साल आइंदा के सगीरा गुनाहों का कुफारा है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से की रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अरफा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखा तो इसके लगातार 2 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह सुबहानो ताला हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे। कबायर गुनाह से हम बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना चाहते हुए इंसान होते हुए छोटे छोटे गुनाह हमारे हाथ से सरजद हो जाते हैं। और हम अगर चाहते हैं कि अपने सगायर गुनाहों का कफारा दे दें, एक वो साल जो हमारी ज़िंदगी का गुजर गया और एक वो साल जो आने वाला है, तो ये बेहतरीन मौका है। मैं जानती हूँ गर्मी है, मुश्किल होगी, लेकिन आज की मुश्किल कल की आसानी। और यकीन जानिए, जब इंसान खालिस्तन अल्लाह के लिए नियत करके रोज़ा रखता है तो ये मुश्किल भी मुश्किल नहीं रहती, बल्कि बहुत आसान हो जाती है। बीइंग मुस्लिम, हमें वैसे भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखें, पीर और जुमेरात का रोज़ा कम से कम रखें, कज़ा शुदा रोज़े ज़रूर रखें, और अरफा का रोज़ा कम से कम इस नियत से रखें कि अल्लाह सुबहानो ताला हमारे सगीरा गुनाह इंशाल्लाह बख्श देगा। इबादात में हम यकसू हो जाएंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। नमाजों में खुशू खुजू आ जाएगा, तहज्जुद भी पढ़ी जाएगी, इशराक और चाश्त का भी तमाम किया जाएगा, रोज़े रखने के भी बहुत से लोग कोशिश करेंगे, लेकिन क्या हम खिदमत खल्क करेंगे? क्या हम रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करेंगे? जी हाँ, अपने अखलाक को बेहतरीन बनाना है। इन 10 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को याद करके बेहतरीन अखलाक का नमूना बनना है, रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करनी है, पड़ोसियों की खबरगीरी करनी है, ज़रूरतमंदों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, दीन की तालीम और तबलीग में हिस्सा लेना है, इज्तमाई भलाइयों के कामों में ज़रूर खिदमत अंजाम देने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। इबादात में मशगूल होके
अल्लाह के लोगों को नहीं भूलना, अपनी इबादात के साथ साथ अपने अखलाक को भी संवारना है इंशाअल्लाह। सदकात और खैरात में कसरत करनी है। अगर हमने ज़कात नहीं दी तो ज़कात की अदायगी का अहतमाम करना है, कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। कोई अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह की राह में ज़रूर दे देनी है, ये सोचते हुए कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इससे बहुत बेहतर देगा, और अल्लाह से दुआएं मांगते रहना है। अपने वालिदैन, अपने शौहर, अपने बच्चों, अपने अजीज़ो अकारिब पे खर्च करना है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और नेमतें भी बांटने से बढ़ती हैं, इसीलिए कोशिश करनी है कि हर खुशी में अपने प्यारों को अपने साथ लेके चला जाए। ईद मनानी है और कुर्बानी भी करनी है, 10 दिन खूब मेहनत करनी है, कोशिश करनी है कि एक एक सेकंड बेस्ट वे में यूटिलाइज करें, तमाम डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे कर दें, पूरा फोकस अल्लाह सुभान व तआला की ज़ात, उसकी रज़ा पे लगा दें, हर वो काम कर लें जो अल्लाह को पसंद है, और ईद के दिन खूब खुशियाँ मनाइए। कुर्बानी तक नाखून और बाल नहीं काटने। अल्लाह सुभान व तआला को हमारी कुर्बानियाँ नहीं चाहिए, बल्कि हमारा इखलास, हमारी खालिस नीयत चाहिए। कुर्बानी करने वालों को चाहिए कि नाखून और बाल ना तराशें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िलहज्जा का चांद देखने के बाद तुम में से जिसका कुर्बानी करने का इरादा हो वो अपने बाल और नाखून ना तराशे। सही बुखारी की हदीस है 6403। इंशाल्लाह आज ज़िलहज्जा का चांद देखा जाएगा। जो जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं उनको चाहिए कि मगरिब से पहले पहले अपने बाल और नाखून कटवा लें। कुर्बानी करते हुए पंप एंड शो नहीं करनी। जितने का जानवर है, आपने जितने का भी लिया है, खालिस्तन नीयत ये रखें कि ये सिर्फ अल्लाह सुभान व तआला के लिए है। हमने कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करनी है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। इसीलिए अपनी नीयतों को खालिस रखिए। ईद के दिन की सुन्नतों पर अमल करें, ईद की नमाज का अहतमाम करें, अजीज़ो अकारिब से ज़रूर मुलाकात करें, इखलास नीयत से कुर्बानी करें, और कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, और वो मुस्तहकीन जो पूरा साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उनको ज़रूर दें। कुरान मजीद अल्लाह सुबहान तआला की किताब है। कुरान की बकसरत तिलावत कीजिए, मुख्तलिफ कुरा की तिलावत सुनिए। कुरान को सुनने से वो दिल में उतरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ के सुनाया गया और आपके दिल में उतारा गया। कोशिश करिए कि कुरान को समझ के पढ़ें। किसी ख़ास कारी को, जो भी आपको पसंद हो, उनको मुंतखब कीजिए। पहले उन आयात को उन कारी की आवाज़ में सुनिए, उनका तर्जुमा पढ़िए, उनकी तफसीर पढ़िए, फिर उसकी तिलावत कीजिए, फिर दोबारा अपने मखसूस चुने हुए कारी की आवाज़ में सुनिए। आप यकीन जाने, जब आप ये पूरी रूटीन फॉलो करके जब दोबारा कुरान को उन कारी की आवाज़ में सुनेंगे, तो ऐसे लगेगा कि ये कुरान, ये अल्लाह का कलाम आपके दिल की तख्तियों पे लिखा जा रहा है। नई सूरतें याद करने की कोशिश कीजिए, हिफ्ज़ की दोहराई कीजिए, कुरान का तर्जुमा और तफसीर ज़रूर पढ़िए और सुनिए, मानी पे गौर व फिक्र कीजिए, अपने लिए अमल के नकात निकालिए, दूसरों तक कुरान का पैगाम ज़रूर पहुंचाइए। इन खूबसूरत दिनों में अपनी ज़बान को ज़िक्र और दुआ से तर रखिए। तहलील, तकबीर और तहमीद का अहतमाम कीजिए। सुबह और शाम के अस्कार ज़रूर पढ़िए। इस्तग़फ़ार का ज़िक्र कसरत से करिए। दरूद शरीफ पढ़िए। मकबूल औक़ात में दुआएं मांगे, खसूसन अरफा के दिन।
दुआएं मांगते हुए इस बात का पूरा यकीन रखें कि अल्लाह सुबहानो ताला आपकी हर दुआ को सुन रहा है और वो आपके बहुत करीब है और इंशाल्लाह आपकी तमाम इबादात को जल्द कबूल फरमाएगा। कुरान और हदीस से मालूम होता है कि अशरा ज़िलहज्जा में तस्बीह और तहलील और जिक्र कसरत से करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया और चंद मुकर्रा दिनों में अल्लाह का नाम ले, सूरह हज आयत नंबर 28। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई दिन भी अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा अजीम और पसंदीदा नहीं है जिसमें कोई अमल किया जाए। ज़िलहज्जा के इन 10 दिनों के मुकाबले में तुम इन 10 दिनों में तहलील, तकबीर और तहमीद की कसरत किया करो। एक रिवायत में फरमाया कि तुम इन 10 दिनों में तस्बीह, तकबीर और तहलील की कसरत किया करो। अल्लाह सुभान व तआला की हमदो सना के अल्फाज तमाम कलमात के सरदार हैं, इसलिए कसरत से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहिए और अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र से तर रखिए। ज़िलहज्जा के पहले अशरे में तकबीर और तहलील और तस्बीह और विर्द रखने की तलकीन फरमाई गई है और बतौर ख़ास आयाम तशरीक में तकबीरात तशरीक के पढ़ने का हुक्म दिया गया है। 9वीं ज़िलहज्जा की फजर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक कुल 23 नमाजों में मर्द और औरत, मुसाफिर और मुकीम, शहरी और देहाती, बाजमात नमाज पढ़ने वाले और तन्हा नमाज पढ़ने वाले सब पर हर फर्ज नमाज के बाद तकबीरात तशरीक पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता मर्द बुलंद आवाज़ से और औरतें आहिस्ता आवाज़ से पढ़ेंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों 9वीं ज़िलहज की नमाज फजर से लेकर आयाम तशरीक के आखिरी दिन यानी 13 ज़िलहज की नमाज असर तक तकबीर के अल्फाज को बाकसरत पढ़ते, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के लिए सब तारीफ है, अल्लाहु अकबर कबीरो वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरो व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाह के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ है और सुबह और शाम अल्लाह के लिए पाकीज़गी है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इन अल्फाज को सिर्फ ज़बान से अदा नहीं करना बल्कि इन अल्फाज को अपने दिल की गहराइयों से महसूस करना है। यकीन जाने आपका दिल अल्लाह की किबरियाई से भर जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि आपने किस ज़ात के आगे झुकना है, किस ज़ात से आपने मांगना है, वो कौन सी ज़ात है जो आपकी मालिक है, आपकी खालिक है, आपको देने वाली है, आपके नफे नुकसान की मालिक है। इन खूबसूरत दिनों को अल्लाह की खूबसूरत यादों से भर दें और इस बात की पूरी उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह अल्लाह अपने वादों को पूरा करेगा, अल्लाह अपने प्यारे बंदों की मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता और हकीकी कामयाबी, हकीकी फलाह इंशाल्लाह उस दिन अमल करने वालों का, ईमान रखने वालों का मुकद्दर बनेगी। अल्लाह सुभान व तआला आपसे मुझसे राज़ी हो, हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से अशराए ज़िलहज्जा को
मना सकें, उसका फायदा उठा सकें और खलूसे दिल से जितना हम कर सकते हैं इन दिनों को, जितना हम पा सकते हैं पाल। बहुत मर्तबा हम बड़ी बड़ी नेकियों के इंतज़ार में छोटे छोटे वो मौाक़े जो हमारी दस्तरस में हैं वो गवा देते हैं। हज एक बहुत इम्पॉर्टेंट फरीज़ा है और बहुत से मुसलमान बहन भाई, खुशकिस्मत लोग जिनको अल्लाह सुबहान तआला ने इस साल हज के लिए बुलाया है, वो हज के फरीज़ा अंजाम देने के लिए गए हुए हैं। लेकिन कुछ लोग जो पीछे रह गए, जिनको अल्लाह सुबहान तआला ने अभी नहीं बुलाया, और ये दिल में रखते हुए कि अल्लाह के हर काम में बेहतरी है, वो इन दिनों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अल्लाह सुबहान तआला अमल करने वालों के अजर में कभी कमी नहीं करता। उन कामों की ख्वाहिश में जो हमारा मुकद्दर नहीं बन सके, उन चीज़ों को ना छोड़ दें जो आपकी दस्तरस में है। अल्लाह सुबहान तआला आप से मुझसे राज़ी हो, हमें तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से ज़िलहज के महीने से भरपूर फ़ायदा उठाने वालों में से हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, हर दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सुबहान तआला आपके और मेरे मामलात आसान करते हैं, हम सबको दीन सीखने वाला और दीन सिखाने वाला बना दे और हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।